दोस्तों दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही हैं, तो पहली अपडेट देख लेते हैं राजेश लेखपाल उत्तर कुंजी को लेकर के। यहाँ पर आप लोग नोटिस देख पा रहे हो जो कि 1 अगस्त आज ही जारी हुई है। 31 जुलाई को जो परीक्षा हुई थी, यानी कल जो परीक्षा हुई थी, उसकी उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। आप लोग वेबसाइट पर जा करके अपने जो उत्तर कुंजी का मिलान है वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया कि उत्तर कुंजी में अगर कोई आपको आपत्ति समझ में आती है तो 7 अगस्त 2022 तक अपने उत्तर कुंजी में आप आपत्तियाँ वगैरह दर्ज करवा सकते हैं। जैसे वेबसाइट में लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरीके से आंसर दिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर ए सीरियल नंबर 1 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का डी विकल्प सही है। अगर आपको लगता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका विकल्प सही दिया गया है तो कोई बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि विकल्प जो है गलत दिया गया, तो यहाँ पर रेज और वी ऑब्जेक्शन पे क्लिक करके अपना ऑब्जेक्शन यहाँ पर फाइल कर सकते हैं। इस तरीके से आप पूरा चेकआउट कर सकते हैं। हमारे पास ये जो उत्तर कुंजी है सेट ए की है, बाकी अगर आपको किसी भी दूसरे सेट की चाहिए तो वेबसाइट पर देख सकते हैं। ये जो सेट ए की उत्तर कुंजी है हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। दूसरी बड़ी अपडेट यहाँ पर भारतीय खाद्य निगम की तरफ से। यहाँ पर देखिए ये लेटर जारी किया गया है भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ की तरफ से, और ये लेटर जारी किया गया फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है उनके लिए, ठीक है। आज 1 अगस्त को ही लेटर जारी किया गया है, और इस लेटर में ये बताया गया है कि कितनी सारी वैकेंसी यहाँ पर खाली है। तो यहाँ पर देखिए पहले ये बताया गया कि 2019 में जो भर्तियाँ हुई थी उसमें 4102 वैकेंसी हुई थी कैटेगरी 3 की, ठीक है, भर्ती आई थी। इसके अलावा 330 जो पोस्ट थी वो कैटेगरी 2 की थी, जिसका एडवर्टाइजमेंट 28/9/2019 को जारी किया गया था, और इस भर्ती को कंप्लीट होने में 3 साल 5 मंथ लग चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे बताया गया एट प्रेजेंट जो है करीब 1520 वैकेंसी खाली है कैटेगरी 2 के एम्प्लॉयज़ की, और लगभग 12,000 वैकेंसी खाली है कैटेगरी 3 के एम्प्लॉयज़ की, और लगभग 5224 वैकेंसी खाली कैटेगरी 4 के एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। और भी कई सारी समस्याएं यहाँ पर हैं, कई सारे ट्रांसफर वगैरह हुए हैं, और कुछ है जो आप लोग जानते होंगे अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियाँ होती हैं, तो इन सब को देखते हुए यहाँ पर बताया गया कि जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करने का कष्ट करें। यहाँ पर विज्ञापन को शीघ्र जारी करने की मांग की गई है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट में भी लिखा है कि रिक्वेस्ट फॉर एक्सपेडिटीजियस इंटीमेशन ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर कैटेगरी 4, कैटेगरी 3 एंड कैटेगरी 2, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के तीनों पदों को जोड़ देते हैं, लगभग ये 1520, 12,000 और ये 5224, लगभग 19,000 के आसपास वैकेंसी होती है। ये मांग की गई कि जल्द से जल्द इसका विज्ञापन जारी किया जाए। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम पर आपको FCI से एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट होगी तो चैनल के माध्यम से आप लोगों को जरूर अपडेट की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।